नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में स्वादड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच मिट्टू सिंह जी मौजूद थे। इनसे हम जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत में क्या बदलाव हुआ, शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर या विकास की सभी नीतियों को लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या यहाँ बदलाव हुए और अभी भी यहाँ ऐसी क्या क्या जरूरतें हैं जो अभी बाकी है। सर, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सबसे पहले कि 4 साल हो गए, तो इसमें क्या क्या नए नए कार्य हो चुके हैं अभी तक? सबसे पहले तो मैं जरा अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाया, आप मिले और आप सभी को नमस्कार। हमारे जो 4 सालों में जो कार्य विकास का जो कार्य हुआ है बहुत ही अच्छे हुए। एक बड़ी योजना राष्ट्रीय पेयजल, जो मूलभूत सुविधा में सबसे बड़े अहम है कि भाई राष्ट्रीय पेयजल योजना से जोड़ा, तो उसमें के लिए 95 लाख एक सेंशन है हमारे स्वादड़ी के लिए, मुंडवा स्वादड़ी और अन्य जो मजरे हैं उनको लिए पानी के लिए जोड़ा। लेकिन अभी क्या दिक्कत, उनके पानी के वो मेन कुआ खुद गया है लेकिन पानी वहाँ तक जो टंकी तक पहुँचा, लेकिन जो गांव में पाइप लाइन वो व्यवस्था वो जो नहीं हो पा रही वो अभी हो जाएगी। और बाकी सीसी रोड है, बाकी जो जहाँ भी पानी की जो सुविधा है, मैं जो बड़े बड़े डामरिकन रोड की जो सेंक्शन हुई है, जो देवगुड़ से जो गांव जोड़ने के लिए जो भी जो वंचित है 250 की आबादी के जो गांव है उनको जोड़ा गया और नहीं है उनके लिए भी अपन प्रस्ताव तैयार करें। सर, जैसे कि बात करते हैं हम शिक्षा, बिजली और पानी की, इनमें क्या क्या नए और बदलाव हुए हैं? शिक्षा की बात करते हैं स्कूलों में टीचरों के लिए, जैसे तो हमारे हर जो मुख्यालय पर हाई स्कूल बनी हुई, लेकिन हम ऐसा करें जो कुछ प्राथमिक विद्यालय है उनको 10वीं तक करवाने की हम सरकार से मांग करेंगे, भाई जहाँ तक हो सके उनको हमारे कर्मोन्नत करवा जाए विद्यालय। और एक मैं चाहता हूँ हमारे जो मुख्यालय पर बालिका विद्यालय भी होना चाहिए। वैसे तो हमारे पंचायत सबसे बड़ी है, लेकिन जो भी जो मजरा वगैरह है उनसे हमने शुरुआत मजरों से की है, जो छोटे छोटे मजरे वहाँ तक पहले विकास नहीं पहुँचा, मैंने वहाँ से शुरू किया है। और फिर जो रेवेन्यू विलेज है वहाँ भी ध्यान दिया, और बड़ी पंचायत होने की वजह से जो डेवलप हमारा हो नहीं पाता, लेकिन जो कमी है उनको हम कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। सर, जैसे कि भी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया बदलाव किया पंचायती राज चुनाव में, कि पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी की सरकार के समय ये था कि उस समय पंचायती राज चुनाव सरपंच के चुनाव में शिक्षा का स्तर रखा गया था, 8वीं पास क्वालिफिकेशन रखा गया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही एक बदलाव कर दिया कि क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है। तो आपके हिसाब से क्या ये उचित फैसला या अनुचित, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सरपंच के चुनाव में या क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से अनुचित ही है, क्योंकि अगर हमारे पंचायत का जो लीडर होता है, जो अध्यक्ष होता है, अगर वो एजुकेशन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे संभाल पाएगा पंचायत को? तो मैं समझता हूँ ये पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सर, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि ऐसी और क्या कमियां रह रही है कि आज ग्राम पंचायत में से क्या जरूरत पड़ रही है कि जो अभी तक जनता को पूरी नहीं हो पाई है? बस कमी तो कुछ नहीं, जो विकास के कोई जो अटके जो काम है पानी की, जैसे मैं कह रहा हूँ गाँवों में जो पाइप लाइन की व्यवस्था करे वो हो जाए तो ये मतलब अच्छी बात है जनता के लिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ मिट्टू सिंह जी, जो स्वादड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच थे। इन्होंने बताया कि क्या क्या यहाँ इन्होंने 4 साल में विकास करवाया और अभी केवल पानी की समस्या थोड़ी बनी हुई है।